अस्सलाम वालेकुम जुमन परेसी आपके साथ एक नए सोसाइटी टॉक्स के टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है इट्स अ बिट सीरियस, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा फितना है, एक ऐसा अजाब है जो हमारी सारी की सारी सोसाइटी में आग की तरह फैला हुआ है, हमेशा से था। इट्स नॉट दैट इट्स नाउ बीइंग डिस्कवर्ड, हमेशा से था। पहले सिर्फ ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस बाहर नहीं आता था, मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, औरतें बताती नहीं थी तो इतना ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा था। बट नाउ इट इज़ एज इट इज़ कमिंग आउट द डोमेस्टिक वायलेंस इट्स टेरिबल। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको देखा जाए क्या है, तो देखते हैं कि ये वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम। डोमेस्टिक ऑब्वियसली इट्स डोमेस्टिक की बात है तो जो आपके इंटीमेट रिलेशन हैं उसी में ही होता है। इसकी फॉर्म्स क्या है डोमेस्टिक वायलेंस? इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी वर्बल, it could be emotional, it could be economical, it could be religious, it could be sexual abuse. तो और ये of course marital abuse भी इसमें साथ ही आती है। इसमें होती है physical violence, तो of course ये है कि आपने किसी को मारा, somebody is beating you up or you are under a physical attack of from a person, which is also extremely bad. Verbal पे हम आते हैं तो वर्बल वायलेंस जो होता है दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस एवर। एंड अनफॉर्चुनेटली इनफ हमारी या किसी भी सोसाइटी में, आप अगर ये, मैं ये नहीं कहती कि हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में है, आई बीन लिविंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन यूरोप और यूरोपियंस में भी ये है, यू नो इट इज़ नॉट गिवन। मर्द मर्द ही रहेगा, औरत ही रहेगी और हर किस्म के लोग होते हैं। सो वर्बल वायलेंस जो होता है वो it goes into your soul and it just destroys your soul if you keep on taking it in and you don't respond or you don't get help. So the person, the oppressor, wo to khair hota hi hai, jiske upar oppress ho raha hota hai jo banda, wo itna zyada mental tension mein aur mental submission mein chala jata hai, wo depression itne zyada mein chala jata hai ki usse nikalna bahut mushkil ho jata hai. Emotional obviously वायलेंस होता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इट इज़ लाइक मोस्टली डन बाय एल्डरली पर्सन, पेरेंट्स करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बच्चों को। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा ये किस्से सुनने में आ रहे हैं, आते हैं मेरे पास भी, केसेस भी आते हैं कि स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं उनका होता है कि वेन दे गो बैक टू देयर कंट्री, रिस्पेक्टिव कंट्री जो भी जिधर से भी आए हुए हैं, तो दे प्रेफर कि बच्चों की जल्दी जल्दी वहाँ पर शादी करते हैं। और बच्चे being brought up here in Europe, they don't want, उनका जो mental level है वो वहाँ के बच्चों के साथ नहीं मिलता। वहाँ के बच्चों का mental level बहुत और है, यहाँ के बच्चों की तरबियत का mental level बहुत और है। They're exposed to different things, they're exposed to different things. जोर ज़बरदस्ती करके emotional pressure दे के, स्पेशली माओ में ये सुनने में आता है कि माएँ बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के कि मैं मर जाऊंगी या मैं ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, सो यू मैरी दैट गर्ल और यू मैरी दैट बॉय एंड आप, तो दिस इज़ बैड इन दैट सेंस कि आप उसका तो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बच्चे को अपनी मर्जी आप मनवा लेते हैं। बट दैट चाइल्ड ऑफ yours हैज़ टू गो थ्रू दैट लाइफ what यू चोज फॉर हिम और हर फॉर द रेस्ट ऑफ their lives. और वो दिस इज़ नॉट फेयर। सो दिस इज़ also अ वेरी वेरी बिग वायलेंस। रिलीजियस वायलेंस होता है, जैसे कि हमारे आजकल हम देख रहे हैं, 9/11 से शुरू हुआ था, पकड़ गया था जोर और अब तो बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है। इट इज़ लाइक इस्लामोफोबिया है, हम भी सब जानते हैं। एक तरीके से उन्होंने इस्लाम को इतना बुरा बनाने की कोशिश कर दी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नोबडी रियली गोज एंड रीड्स देयर ओन रिलीजन। किसी ने भी जाके अपनी बुक नहीं पढ़ी हुई। वेरी फ्यू ऑफ अस वी go back and we learn our own Quran the way that we can understand it. Arabic mein zid karke nahi, sahi se apni language, Urdu, English, jo bhi, German, jo bhi aapko aati hai, aap usme padhe. Mere bachon ne ek dafa Quran jab Arabic mein khatam kar liya to they started reading it in German because they said ki hum logo ko padhna hai, hum logo ko samajhna hai ki isme likha kya hai. And then they would, you know, come to me and we'd sit down, German, English, Urdu, जो भी आपको लैंग्वेज, जो भी आपको सही उस वक्त उसका तर्जुमा लग रहा है उसमें आप रिसर्च कीजिए। गेट टू नो योर सेल्फ, गेट टू नो योर बुक। इन नोइंग योर बुक यूल बी गेटिंग टू नो योर सेल्फ। रिलीजियस वायलेंस जो है वो इसीलिए आता है। एंड देन आई कीप ऑन हियरिंग दिस, आई गेट अशेम्ड व्हेन आई हियर सच थिंग्स,
मस्त थे। पाकिस्तान में कि दे लाइक क्रिश्चियन पेयर को जला दिया, उनका मंदिर तोड़ दिया। लिसन, इट इज ओके, इट इज फाइन, वी लव आवर रसूल, वी लव आवर अल्लाह, एंड अल्लाह ने कहा है कि आपका मकसद, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम तक जो नॉलेज पहुंची है हम वो आगे अगले बंदे को पहुंचा दें। हमारा सिर्फ इतना मकसद है। वो इंसान जो आगे, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका नेबर है या सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान है, वो उस चीज की हिदायत लेता है या नहीं लेता, ये अल्लाह पे है, ये आपका जिम्मा नहीं है। यू कैन नॉट गो एंड बर्न समबडी फिजिकली और बर्न समबडीज रिलीजियस प्लेस बिकॉज यू बिलोंग टू अनदर रिलीजन। ऐसे ही वो जब आपकी मस्जिद तोड़ेंगे तो आप फिर रोएंगे ना, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट ऑन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी दिस टाइप ऑफ वायलेंस इनिशिएट्स वॉर्स, कोल्ड वॉर्स कह लें या फिजिकल वॉर्स कह लें, वो यही इधर से शुरू होती है, बिकॉज वी आर इनटॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स, एंड दैट इज ऑल्सो रियली डोमेस्टिक वायलेंस। स्पेशली मैं इसको लेके आई हूँ बिकॉज ये भी हमारे कंट्रीज के अंदर ही हो रहा है। इंडिया में देखें तो वो मुसलमानों के मस्जिदें जला देते हैं, पाकिस्तान में देखें तो वो उनका मंदिर तोड़ दिया। सो दिस इज नॉट गुड। इसके बाद हम आते हैं तो ऑफकोर्स सेक्शुअल वायलेंस होता ही है, और जो जिस तरह से हम खबरें सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ, मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करना चाहती, वट एवर इज हैपनिंग विद द गर्ल्स, जो लड़कियों के साथ करते हैं, लड़कों के साथ करते हैं, तो मेरी तो ऑनेस्टली अगर आप बोलें तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट ये, हूएवर इज लिसनिंग, इफ एनीबडी इज लिसनिंग टू मी, कि अपने बच्चों को प्लीज मदरसे में मत भेजिए। डोंट डू दिस टू योर किड्स, डोंट पुट देम टू दिस सेक्शुअल अब्यूज, यू नो, बिकॉज वहां पे जो कुछ उनके साथ होता है, मर जाते हैं आपके बच्चे। व्हाई कांट यू टीच देम एट होम? और घर में भी सेक्शुअल अब्यूज होता है, ये बात नहीं है, बहुत सारे मैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स दूँ, लेकिन हर तरह की अब्यूज होती है घर में भी, जो है सेक्शुअल, सबसे बड़ी सेक्शुअल अब्यूज जो होती है वो तो मियाँ बीवी के बीच में होती है। मियाँ जो है वो अपने आप को पावरफुल समझ के अपनी बीवी को अब्यूज वो कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है तो वो कर देता है। बट ऑल दिस रिजल्ट, इन सबका बताने का मकसद ये है कि ये सारा जो वायलेंस है, ऑल दिस वायलेंस इट कम्स इन टू जिसके साथ हो रहा होता है उस, वो डिप्रेसिव स्टेट में चला जाता है, और जो कर रहा होता है वो एग्रेसिव स्टेट में होता है, और उसको वाकई में हेल्प चाहिए होती है। और ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को वाकई में हेल्प की ज़रूरत है। आप ये देख लीजिए, जैसे शादी से इनकार कर दिया, जाके मुंह पे एसिड फेंक दिया। इंडिया में आप देख लें, जहेज मतलब का नहीं आया, लड़की का गैस का चूल्हा जल गया, लड़की मर गई, यू नो। पुराने ज़माने में स्टोनिंग कर दिया करते थे, ऑनर किलिंग हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, हमारे बीच जगह। एक बच्चे को आप मार दें, अपनी औलाद को आप मार दें, या अपनी बहन को या अपनी बेटी को आप मार दें, क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है और आपको पसंद नहीं, या आपकी मर्जी नहीं है। थोड़ी देर बैठ के सोचिए, जीना किसने है? थिंक अबाउट इट। ये जो डाउरी डेथ्स होती हैं सारी, ये सब, अच्छा इतना सारा मैंने बोला, इसमें मैंने ज़्यादातर जो है वो किया कि फीमेल्स के ऊपर जुल्म होता है, बट दिस इज़ नॉट रियली, मर्दों के ऊपर भी जुल्म होता है। आई हैव ऑल्सो हैड केसेज जहाँ पे मैन हैव गॉन थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, एंड दिस इज ऑल्सो द रियलिटी, एंड डोंट लाफ, आई एम टेकिंग द ट्रूथ, इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि मर्दों के ऊपर भी होता है, मैन ऑल्सो गो थ्रू द वायलेंस। तो बेसिकली ये सारी वायलेंस का आपको जो है मैंने जो पॉइंट आउट किया है, द मेन रीजन ऑफ डूइंग दिस वॉज टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट ऑफ द अमाउंट ऑफ वायलेंसेस द पीपल आर गोइंग थ्रू, और आप लोगों को थोड़ा सा ये इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना कि वायलेंस अगर आप अपने घर में देख रहे हैं तो उसको प्लीज केटर कीजिए। गो टू पीपल हु आर रियली एंड ऑनेस्टली केपेबल of dealing with such, don't go to people जो जिनके सिर्फ words बड़े बड़े लिखे हुए हैं, जिनकी सिर्फ pieces बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो सही से उसको वो नहीं करते। सही उन लोगों के पास जाइए जिनके पास वाकई ही में नॉलेज है कि वो, क्योंकि वायलेंस जो होता है वो शुरू किधर से होता है? वायलेंस शुरू होता है बचपन से, उसकी जो रूट कॉज है वायलेंस की वो बचपन में होती है। बचपन में उसने अपने घर में वायलेंस देखा होता है और वो बड़ा होकर आगे, और जो वो वायलेंस कर रहा है उसके जो आगे से औलाद है वो ये देख रही है और वो भी यही करेगी। सो इट इज सॉर्ट ऑफ, इट इज नॉट इनहेरिटेड, but it is generated.
ठीक है ना, तो उसको देखिए कि माँ बाप ने उसके साथ क्या किया, उसकी वो थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको निकालिए और उसको उस चीज से फ्री कीजिए, ताकि आगे की जो जिंदगी है या आगे की जो आने वाली जनरेशन है वो थोड़ी बेहतर जिंदा रह सके। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर एंड आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। चिल देन, जीवन पर देसी मेडिटेशन।